हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एसटी ग्रैंड में। तो दोस्तों एक बार फिर से इलेक्शन होने जा रहा है जो कि 31 मार्च को रखा गया है, उसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं और कौन कौन से चैनल आने वाले ये भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि 45वीं ऑक्शन में टीडी फीड MPG2 सेट टॉप बॉक्स के लिए कौन कौन से चैनल यानी भाग ले रहे हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाले, तो जरा भी स्किप ना करें वीडियो को। तो दोस्तों पहले ये सारे के सारे चैनल लॉन्च हो रहे थे, जैसे कि जी एन मॉल, स्टार शो, स्टार गोल्ड 2 और यहाँ तक कि स्टार भारत और सोनीपल, ये सभी के सभी चैनल डी डी फिडिक्स में आने के लिए तैयार हो गए थे। फिर ट्राई ने नया नियम लगा दिया जो कि हिंदी GIC चैनल और हिंदी मूवी चैनल डी डी फिडिक्स के बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर डी डी फिडिक्स पर लॉन्च नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो स्टार नेटवर्क हो गया, सोनी नेटवर्क हो गया और जी नेटवर्क हो गया, इसके अलावा VCOM18 नेटवर्क हो गया, इन सभी के चैनल डी डी फिडिक्स पर नहीं आ सकते। इसके अलावा सभी के सभी चैनल ऐड हो सकते हैं, पर दोस्तों इनके GEC चैनल और मूवी चैनल ऐड नहीं हो सकते। तो दोस्तों अब यहाँ तक की बात की जाए कि सभी के सभी यूट्यूबर आपको ये बता रहे हैं कि ये चैनल वापस आएंगे, तो वो आपको बिल्कुल बुद्धू बना रहे हैं। जैसे कि मैं कुछ चैनलों के नाम भी ले सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे पहला चैनल है, उसका नाम है RK YouTube Tech, ये भी बता रहा है कि डी डी फिडिक्स पर ये चैनल आने वाले हैं सभी के सभी। और दूसरा चैनल है पुष्पेंद्र फिडिक्स, ये दोनों चैनल आपको ये बता रहे हैं कि पुराने वाले चैनल्स आएंगे, ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, ये चैनल नहीं आने वाले हैं, और आएंगे तो ट्राई के द्वारा बता दिया जाएगा। हम सभी के सभी यूट्यूबर आपको साथ में न्यूज़ दे देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि पुराने वाले चैनल्स आएंगे। तो दोस्तों किसी के बहकाव में ना आए और पुराने वाले चैनल्स की अभी तक कोई अपडेट निकल कर नहीं आई है। और दोस्तों इसके अलावा हमारे लिए 45वीं ऑक्शन में इशारा टीवी आ सकता है, और इशारा टीवी के अलावा हमारे लिए 45वीं ऑक्शन में ईपिक प्लस भी आ सकता है। कंफर्म तो नहीं है पर ईपिक प्लस आ सकता है, ये कुछ चैनलों के नाम मैं यहाँ पर बता दिया है, इन चैनलों में से आ सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी टॉपिक पर था कि पुराने वाले चैनल्स नहीं आने वाले हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर देना, और अच्छा नहीं लग गया हो तो डिसलाइक कर देना। तो दोस्तों चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर जाना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।